बाबा की सोच शुरू होती है। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, बाबा मेरे लवर से मेरा कनेक्शन भिड़वा दीजिए बाबा। बदले में आपके इस आश्रम को मैं 5-स्टार आश्रम में बदल दूंगी बाबा। डोंट वरी बच्ची, काम जरा मुश्किल है, कर पाओगी? तो समाधान बताता हूँ। हाँ बाबा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। फिर नो टेंशन बच्ची, समस्या अनेक, समाधान बस एक, समस्या निवारण स्प्रे। बाबा इसे कहाँ लगाना होगा? अपना हेडफोन इधर लाओ। हाँ बाबा, इली। हेडफोन नहीं, अपना कान इधर लाओ, कान। कच्छा में। कच्छा में? का? कच्छा में? मैंने पहले ही कहा था मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बाबा, कोई मुश्किल नहीं है बाबा। तोहर काम आसानी से हो जाई, काहे से कि घर में केहू नहीं खे, भैया भी घर के बाहर गइल बाड़े। अरे तब देरी कौना बात के हा, जल्दी जा, भैया के कमरा में सूटकेस होई ना, ओ में कोनो ना कोनो कच्छा तो होबे करी, अरे ओही में छिरक दिया। गुड आइडिया, चल जा। पकड़ो बैग, पकड़ो पकड़ो। बाबू के बैग में रिवॉल्वर कैसे? काजल का करत आड़ू,
हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री भाई सईद आलम जी, हम नौजवानों किसानों के नेता मजदूरों के मसीहा माननीय सईद आलम जी हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करके इन्हें इस सभा में सम्मानित किया जाए। नमस्कार। सईद आलम, 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 शांत से बैठ गए आप लोग। आप मंच पे बैठे सारे गणमान्य लोग, भाइयों, माताओं और बहनों, आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं यहां कुछ वादा करने नहीं बल्कि एक छोटी सी कोशिश करने आया हूं, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वायदे अक्सर टूट जाया करते हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बाहर के राज्यों में काम करने ना जाएं, बल्कि यही रोजगार के अवसर प्रदान हो। बाकी हमारी कोशिश है कि लोग यही रोजगार करें और यही रहें और बाहर के राज्यों से लोग यहाँ काम करने आए। आप सबसे मैं आखिर में बस यही एक गुजारिश अदब के साथ अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ कि सब संभव होता है जब इच्छा निश्चय में बदलती है। फूल अगर संकल्प करे तो कांटों से राह निकलती है। सईद आलम, सईद आलम, सईद आलम, जय हिंद, जय बिहार। भाईजान से हमारी बात हो चुकी है, आप इनके संपर्क में रहिए, आपका सारा माल नेपाल के रास्ते सही सलामत पहुंच जाएगा। जी। बस ईमान खराब मत कीजिएगा वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा। सलाम। ऐ इनका काम करा देना और ध्यान रखना कि हाँ। जय हिंद सर। अरे जय हिंद, कैसे आना हुआ? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी जान को खतरा है। सर मेरी इन्फॉर्मेशन 100% सही है। देखो सिंह, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और हाँ, मेरे से खतरा जरूर अपोजिशन वालों को होगा। सर आपकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपकी सुरक्षा में 10 हवलदार तैनात कर देता हूँ जो आपकी जान की हिफाजत करेंगे। अब जैसी आपकी इच्छा है एसपी साहब। चलता हूँ सर। अरे चाय वाय तो पीजिए। थैंक यू सर, फिर दोबारा कभी। एसपी साहब बचाए। अब भला मुझे किसका डर है? मंगल मांगले शिव सर्वां साधिके सरले त्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ हेलो बजरंगे। हाँ है? एक मिनट पटा, क्या बात है इंस्पेक्टर? सर जो आपके घर में लड़का रह रहा है वो बाबू नहीं, एक मोस्ट वांटेड मुजरिम है जिसे पुलिस तलाश रही है। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ये है सर उसकी तस्वीर।
अरे अंदर ही क्या, देखो देखो देखो, चलो चलो चलिए चलो चलो, हटो चलो चलो। कुछ लोग इधर जाओ, कुछ लोग उधर जाओ, चारों तरफ छान मारो। हेलो कंट्रोल रूम, यस सर। शहर के सारे रास्ते, सारे नाकों पर नाकाबंदी कर दो, अपराधी भागने न पाए। जी सर, अभी करता हूँ। यस ओके सर। ओके, यहाँ नहीं है सर, लगता है भाग गया। क्या? भाग गया? हाँ सर। जल्दी से तुम लोग पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लो, भागने न पाए वो। जाओ। जी सर। और मिलते ही खबर करना मुझे, जाओ। ओके सर। सूटकेस में रिवॉल्वर देखते ही समझ गई रहनी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। हमार तो मती मरागल रहे जे तोहरा से प्यार कही नी। दिल के हाथे मजबूर रहनी, एही से तोहे बचावे खातिर आ गई नी। तोहरा पीछे पुलिस काहे पड़ल बा, के होवा तू बतावा। बाबू के होवा तू बतावा। आखिर आर के अंकल तोहरा के मुजरिम मानत आड़े, तू मुजरिम जरूर पड़। उसने को जाना तू हमारे बारे में। बचपन से देश की सेवा करे के चाहत रही, दिमाग में एक ही नारा गुजरत रहे, जननी जनभूमि से स्वर्गा तपी गरियसी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप लोग पढ़ लिख कर भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मिस मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुड। मिस मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मिस मैं नेता बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। साइलेंस। और बजरंगी तुम क्या बनना चाहते हो? मिस मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। भारत माता की जय। समाज में कोनो भी गंदगी के पनपे ना देबे के चाहत रही। का जानल चाहता हूँ? हमहू एगो सिपाही बन के देश के सेवा करे के चाहत रही। ओ दिन के बाद सर पे सूरज आगे लभिले सुतल वाला सर।
सीनियर के सामने कैसे पेश आना ये भी सिखाना पड़ेगा। नो सर, कम जा ठीक और हां सर एकदम चुट्टा कही के छोड़िए का भाई राहत न यार ना तो पेट के अतरिया मुंह से बाहर आ जाए। चलो ए यार तू एक दो चक्कर लगा ले हम तब तक दम मार ले। लोटा जी भैया नो बकवास के सर बजरंगी हा? इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो नौकरी कब मिलेगी? अब देखा क्या होता। अरे सही ही होगा। तनी सुना हुँ? ये हमार प्यार करे के समय बा भाई पहले इनकी नौकरी कर लो मैं तो चला। ए, इका अब का बताएं? ए बजरंगी अब हमरा बर्दाश्त नहीं के होत और अब इन हमरा रात रात भर नींद ना आवेला। अब तू ही एकर इलाज कर सकेला कहत ना हमार इलाज। ए बजरंगी पता ना हमरा कौन बीमारी पकड़ लेले बा तोरे बिना रहल नहीं के जात। अपना बाबूजी से कहो कि खूटा में बंधवा दे। लहरिया तोरा बाबूजी के शर्त याद नहीं खे का? नहीं खे याद तो हम याद दिलाओ थे। खाली बात से पेट ना भरेला, पेट भरे खातिर पैसा चाहिए पैसा। बाबूजी पैसा से कोई बिस्तर खरीद सकेला नींद ना। चुप कर तू। देख बेटा तू हमरे बिरादरी के हुआ, शादी से हमरा कौनो इतराज नहीं खे। बाकी एगो हमार शर्त बा कि हमार होखे वाला दामाद भले ही एक रुपया कमावे लेकिन सरकारी नौकरी से बस। सरकारी नौकरी में ऐसा कौन बात बा? लोग प्राइवेट से भी तो अच्छा पैसा कमावे ला। अरे चुप करना लायक, जब देखा था बीच में पट्टर पट्टर पट्टर। अरे दादाजी कह के मर गई ले कि खेती तरकारी के और नौकरी सरकारी के, बातें कुछ और होला। दादाजी तो बोल के मर गई ले और यहाँ हमार जवानी जियान होके पे लागल बा। ते का बुदबुदावत रे रे? कुछ ना ठीक बा। वैसे भी हमार सपना बा पुलिस बने के, भारत माई की सेवा करे के। अब पुलिस बनला के बाद ही पायल के हाथ मांगे रहुआ चौकट पे आई। प्रणाम बजरंगी। जब तक पुलिस ना बन जाए तब तक नो लव नो रोमांस। हो गई? जी भैया जी। चल निकल। कहाँ मुरली? राजेश सेठ के तो माल चल गए, अब एकल नहीं गया, उठे लगा के छोड़ दिया होगा। कहे कोनो दिक्कत नहीं ना? ना ना देख लिए। तू एक एक से साइन कराओ तरह। हाँ हाँ अंगूठा मरवाओ भूले ही है मत। चलाओ अंगूठा लगाओ लोगिन।
ये भैया देखा सबसे फिर अंगूठा लगवा था, लगा था फिर आज गेहूँ चावल न दी। चलो अंगूठा लगाओ। राशन दा? राशन खत्म हो गई, चलो अंगूठा लगाओ। राशन आयल बा तो राशन कैसे खत्म हो गई? तू जानता रह, राशन खत्म हो गई बा, चलो अंगूठा लगाओ। ना लगाई, पहले राशन दे। समझ में नहीं आवत तो रह, चलो अंगूठा लगाओ। ए ब्रो का रे मुरलिया के बाद तोरा समझ में नहीं आवत? बाके तू ठीक नहीं कह करब, जब राशन आयल बा तो राशन कैसे खत्म हो गई? ए ब्रो काहे वक्त से पहले अपना मौत के बुलावा तरह मुरलिया बात से समझावा था, समझ जो ना तो लात से समझाई। गरीब ऐसा है के तू लात मरवा, तोरा का लगत बाकी तोरा सबक सिखावला क्यों नहीं खे? के करा के बोले भी कौनो गुंडा के, पुलिस के, कि कौनो नेता के? ना ना गुंडा, ना नेता, ना पुलिस, गरीबन के मसीहा, धर्म सम्राट, भारत मां के बेटा के बुलाई। चल बोला बोला। तो ये है भारत माई के बेटा, आ गईल इंसाफ दिलावे, इंसाफ के तराजू लेके, बाकी केने बा तराजू, तराजू केने बा, केने बा तराजू, तराजू केने बा। भैया के सिपाही लोग थाने ले गए। अंदर का भेल राज बिहारी जी? हमारे छोटे भाई के अरेस्ट कहले। का राज बिहारी जी, हम राहुल भाई के कहे अरेस्ट करा? झूठ मत बोल, राज बिहारी से झूठ मत बोल। देखिए राज बिहारी जी, देख इंस्पेक्टर, जल्दी से जल्दी हमारे भाई छूट जाए के चाहिए, न तो हमसे बुरा क्यों ना होई। अरे पहले पकड़ब तब ना छोड़ब, हम राहुल भाई के काहे पकड़ब? सर हमरा लगा था उनका सरकारी पुलिस ना प्राइवेट पुलिस उठा के ले गई बा। प्राइवेट पुलिस? प्राइवेट पुलिस? अरे हाँ, वो है बजरंगी सिंह और सिपाही सिंह। अरे तो कहाँ मिली वो सिपाही? हे लोटा। यस सर। यानी कि का सजा दिहल जाओ? अरे सर बहुत बड़ गलती ना कैले बाड़ा सन। हाँ इतना कैल जा सकेला, ऊपरा से निचवा तक जो पसीनवा बा ना चुआ दिहल जाए। जी भैया। गाना लगाओ रे। तू नाच के बताओ। यस सर। दिलावा में जगह दे दो, दिलावा में जगह दे दो, कह कोनी तोड़ करिया। हे बाके, अभी तोर बारी बा, चल नाच। तू हमरो भाई की जानत देखे रे सिपाही। हे लोटा। यस सर। तनी डंडवा दे तो भाई। चाहत नाच दे भाई, ना तो मार के तो पिछवाड़ा फुलाई दे ले बड़ा सा। नाच दे नहीं भाई, भैया नाच दे नहीं। लगाओ गाना। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। ओहो
सिपाही इकवन थाना ये थाना ना बिगड़ल के सुधारे वाला कारखाना है। बंद कर अपनी सब ड्रामा। कहे कि तोहरा के नेकी मालूम कि हम क्या बानी का कनी जान के यहाँ आधार कार्ड निके बना कान ठीक बाहमार लेकिन दिमाग अक्सर खराब हो जाला। हमार दिमाग खराब भइल न त दोनों भाई के और सुन सरकारी राशन घोटाला में तोरा भाई के मरले बनी। चुपचाप गरीबन के राशन दे जो और अपने भाई के ले जो। प्राइवेट पुलिस स्टेशन का मतलब बाइकर और क्या दे रहा तोरा की परमिशन जनता और जनता से बढ़ के सरकार नहीं खे। तोरा भाई के पिटला पर तोर कहीं और दुखाता लेकिन आम जनता के तकलीफ भइला पर हमार यहां दुखेला। और जब यहां दुखेला तो तोरा जिसन के करम फुटेला। का प्रॉब्लम वहां जब देश में प्राइवेट स्कूल हो सकेला प्राइवेट बैंक हो सकेला प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकेला तब पुलिस स्टेशन का है ना। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई गुंडा पनपता है तो उसका बाप यही कहता है कि सुधर जाओ बेटा वरना बजरंगी आ जाएगा। का बात है, का बात है। प्राइवेट पुलिस स्टेशन चलेंगे। इनकम चवन्नी के ना और बिगार सबसे। कितना दफे कहली कि कौनो ढंग के नौकरी कैले बेटा लेकिन ना जब बनब तो पुलिसिये बनब। अरे अब तो चुप करी। का चुप करी हमरे चुप रहे के सब नतीजा बा। आज तुहार लायक लड़का का कैले बा तोके पता बा। हम बताओ तनी हम रास बिहारी से बदतमीजी कैलस और उनकरा भाई के भी पिटलस। अब वो का करी है रामे जाने। का करी है हाँ? चुप कर ना लायक कहीं के। सुना कह दिया अपना लायक से अगर खतरा से खेले कितने शौक बा ना तो अकेले खेले पूरा परिवार के ना झोके समझा दिया अच्छी तरह से। ए ज्योति जो खाना लेके आओ। भैया ल खाना खा ल ना खाई ले जो ए में खाना के का दोष बा। चल खाना खा ल खाली देवर जी। अरे पागल ऐसे ही जय जयकार ना हो खेला कोशिश करे वालन के कबो हार ना हो खेला। अंबानी नु तुहार भाई है बलराम। पापा तो ऐसे ही कहत रहलन कोई कुछ भी कहे हमार दिल कहता एक दिन तो पुलिस जरूर बनबा। अब खाना खा। हाँ भैया बहिन सही कहती है अब तक खाना खा ले। अब खा भी ले इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान से अभी बात करवाता हूँ। भाईजान हिंदुस्तान से आलम का फोन है। कहिए। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना खान साहब? डिस्टर्ब हम आपसे नहीं आपके सीएम से हैं। क्यों क्या हुआ? आजकल आपके चीफ मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो रहे हैं। हम आ रहे हैं हिंदुस्तान
उसे धर्म का सबक पढ़ाने। जरूर हुजूर, जरूर, हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारा मिशन हिंदुस्तान की हर रियासत पर अपनी हुकूमत जमाना है, और इस बात का आगाज हम आपकी रियासत से करेंगे। इस बार के चुनाव में हम चाहते हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर बैठे। आमीन। हम खाते हिंदुस्तान का है पर गाते पाकिस्तान का है। आप हमें हुक्मरान में सहयोग कीजिए, बदले में आपको खेलने के लिए पूरा मुल्क दे दूंगा। सुभान अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह। आप बस देखते जाइए। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। लो आ गए। कुछ लोगों के कुंडली में हार होती है, लेकिन वो लोग जीत के हसीन सपने देखना बंद नहीं करते। जी अरे इन्हें तो शर्म भी नहीं आती। इतनी बार चुनाव हारने के बाद भी अगर मैं होता तो आत्महत्या कर लेता। हजूर, अगर आप अकबर बादशाह हैं, तो मैं भी आपका बीरबल हूं हजूर। और इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ आप ही जीतेंगे। वो कैसे? वो कैसे? अरे वो कैसे? देख रहे हैं ना हजूर, पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प तड़प के अपनी जान दे रही हैं बेचारी। ठीक उसी तरह से विरोधी पार्टी के नेता को अब कमजोर करना होगा, और दिग्विजय सिंह की सारी ताकत, यहाँ के जो तमाम छोटे बड़े गुंडे हैं जो चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करते हैं हजूर, और फंड नेता के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, ऑक्सीजन का। और अगर चुनाव के वक्त ही किसी नेता को ऑक्सीजन न मिले तो उनकी भी हालत इन मछलियों की तरह बिना पानी के ही तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी जहां पना। ऐसे ही तुम्हें हम काम पर नहीं लगाया टंटन तिवारी जी। ताकत तो तुम इकट्ठा कर सकते हो दिग्विजय सिंह, पर ये कमीलापन कहां से लाएगा? कमीलापन बजरंगी जी पुलिस बन गई है।
सोने के साइकिल पे चांदी के पहिया। बोल मेरे राजा, रानी बनाओगे कहिया? वादा पूरा किया ससुर का, अब बारात लेके आऊंगा। शादी रचा के तुझसे अपनी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। इस खुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए। कहे ना। समझ के चूसे भी का हमरा के का सपना रे। लास सरप फूल धोके पी गई पियाई लईकी। हे भगवान, हमरा एकर लक्षण को ठीक नहीं खेलागत। अभी ये भैया से कहतानी तोर मांग टिकवाए के पहिले। भगवान बुआ, भैया बोल। सुना अपने बेटी का करतूत? करतूत बौरा गेल बे तोर बेटी। का भइल? अब तनिको देर मत करा। भइल का? बोल बे। का बोली? भौजी से कह दे, उनके से पूछ लिया, बाकी जितना जल्दी हो सके एकर बियाह करा दे, नाही तो इज्जत का तमाशा देखे बदे तैयार हो जा। कुछ समझ में नहीं आई। बजरंगी पूरे चक्कर में बेटा, बेटी के शादी में जरूर रही है लोगन, तोहनी के चलते इस शादी दहेज मुक्त हो रहा है। अरे चाचा, अब इतना हमार फर्ज रहे। दहेज दरअसल एगो समाज की बीमारी है। आप जाए, हमने जरूर आए। फाइल ले। वो फाइल रख दे। हमके कंप्लेन करे के बा कहीं ना, का चोरी भइल बा? चोरी नहीं खे भइल, डाका पड़ल बा ना। बूझ गई नी, लूट ले ले बा बस। तोहरे ही थाने के इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करे के बा। बहुत देखा। हमरा जीवन के एक एको सपना बा सुहागरात जौन जल्दी ये पूरा होखे वाला रहे। लेकिन तुम्हारे इंस्पेक्टर के वजह से आज लेना पूरा भाई। उमरिया 18 के पार हो गई बा, रात के सोतल मुश्किल और चैन और सुकून फरार हो गई बा। और का समस्या बा मैडम जी? जवानी जियान भइल जाता, घर के सब लोग परेशान हो गइल बा, हमार उलूल जुलूल हरकत में बरकत हो गइल बा। हाय रे माई, हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? इतने गर्मी ले सले बदेही में तबियाह को लेके उसे प्यार के हो और शादी के हो उसे कि हम के ना आवे। प्यार को के एहसान करो तरुका, एगो साधारण लड़की हो गोनो जन्नत के हूर स्वर के परी ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा का खास बतोरा में कि तोरा पके उमर मिटी? ना तीन धूर में फैलल बा आंख उल्लू नियन और दांत बुझाता भुखाइल शेरनी के और बाल। मर्डर कर बे। हाँ। ना कर
लाओ चाय रे पिया। लो भाई चाय लाओ भाई, हम भी चाय पिया। हम पिए माथा खाला ताक दे बेका। हाई ला दे इतना गरम गरम। आय हाय आय हाय का बनावट बा। ओह का अबे चाय ना हाउ देख लैला के लागत था भगवान कारीगरन के छुट्टी देके बड़ा फुर्सत से बनाएले बाड़े। अरे ये तो एकदम मृगनैनी लगत या यार कसम से। अब पगलाई बा सन हाउकला हाउकला जितना हाउको खोए हाउकला पटावे वाला काम था हम करी ले। तू का पटाई बहुत ठेंगा एक तरह के तो हम पटाई मधुशी शर्मा। हाँ टोरिया के मंत्र तो जानत नहीं खा। सही कहा तेरे गेहूं के मुरी पर चल रहा हाथ फेरे लड़की पटावे में हम एक्सपर्ट हैं। पोलिस्टर वर्मा। अच्छा का नाम तोहार? पोलिस्टर वर्मा तोहार हो मधुशी शर्मा। हाँ। चल के देखल जाओ और लड़की पटावे में ना दम लागेला और चकराब रही दम ना बेटा वही गाड़ी खुट्टा चला चला देख लिया। ठीक बा चारक कल नहीं क्या है रे वो देखल जाए। यहाँ लड़की छेड़ रहा है देखता नहीं चौकीदार और ही होमगार्ड और हम हवलदार निकल बेटा। कबूतरा आओ मैडम लाली लिपस्टिक लगा के सज सवर के चलबू ना। तो आजकल का है ना कि मर्दन के नियत खराब हो जाना बुझलू ना। हमरा के नजदीक रखल कर तुहारी तो कमसीन और नाजुक त्वचा के खरोंस तका के हु आंख बिना उठा पाई 100%। हम तो कहतानी कि हमरा के बॉडीगार्ड रखल 24 घंटा बिना पगार पानी के लेफ्ट। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। अगर तुम लोग की जगह मेरा भाई भी होता तो वो भी यही करता जो तुम लोग कर रहे हो समझे ना। और वैसे भी तुम लोग मेरे भाई जैसे हो। भाई भाई बस गलत जगह सेटिंग लगा बड़ा हिल रे। हेलो पूनम कैसी हो? हाय हाय। अरे कब से खड़ी हो यहाँ पर तुम? काफी देर से खड़ी हूँ। कितने दिनों से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम आ जाई हो। अरे कम से कम फोन तो उठा लिया करो। अरे क्या छोड़ो यार। हेलो ये मेरा लवर है। लवर? हमने के बाबर ये कैसा इंसाफ हो। 8 बज गई बा तू यहाँ सरे मैयासी करत आड़ू और वहाँ तुहार घर के लोग इंतजार करत हुई। सही कहा तारा। अरे हमनी के जगह तोर भाइयो रहत ना इहे करत। चल चल हमनी के भाई जैसन बनी ना। चल ले जा ले जा ले जा और रे बट्टा खा। अरे जनधन के योजना में जब 15 लाख मिली तब नू सामने 1 करोड़ के बेरर चेक हमनी के सामने भी आ। चलो सब भजा लिया। चलो 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 चल। आई देखी बड़ा कोमल बड़ू। अरे अरे नेवता देके धोखा मन दो ये देवता। अरे आवा हो सुना ये करे जा काने सट। बचावा! बचावा!
हमरा में जरूर कोनो खास बात बा ना तो एक नहीं के हमरा पीछे ना पड़ते सन बुझला ए लवली तेरा देखा देलू फिल्म कब देखाइबू ए लड़के ले के आवा तू ही तो कहले रहला कि हम खूबसूरत नहीं थी तो हम लाइन मार के चेक करत रहनी। एक और बात सुन ला, हम मर जाए लेकिन केहू और से ब्याह ना करब। अरे पगली, तोरा बिना हम भी ना जी पाए। तो कुछ बताओ ना आइडिया। आइडिया? हाँ, हमारा रेप कर दो। अरे फिर हमसे शादी करी के बाबूजी के छक मार के हमार ब्याह तो उसे करे के ही पड़ी। कैसन बा आइडिया? आहा, कहे के निखे तोरा आइडिया के बहुत खूब। रेप कोइला के बाद शादी ना, जेल होला रे बाउडी, जेल। हमार बजरंगी के जेल होई ना? फिर कैसे होई हमने के हनीमून? यकीन करा, हम पुलिस वाला जरूर बना। इला चकाचक, एक नंबर। ए तारे देखा था ने? बुलेटिया साफ कहिले वाली एकदम। तू लोग जा। ए तू चल हमारे साथ। कहाँ जाता रे? जाता नहीं, अपन काम करे। मटर गस्ती छोड़, हाई पैसा पकड़। अजा के मनोरमा को ऑपरेटिव बैंक में जमा कर दी है। ठीक बा, तनी ध्यान से। चली हेलो भैया, थाना में आपसे क्यों मिले आइल बा? अच्छा लोटा जी, भैया तू जा थाना। ओके। Hey!
बैंक नहीं, आम जनता का विश्वास है। जिसे तू लूटने आया था वो पैसा नहीं, किसी गरीब किसान के खून पसीने की कमाई है। इन पैसों से किसी को अपनी बेटी बहन की शादी करनी है तो किसी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, किसी को अपने माँ का इलाज करना है। इन पैसों को लूटेगा। तू जानता नहीं मुझे। Come on, fast. तुझे जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और मुझसे दोबारा मिलने की इच्छा मत रखना, नहीं तो इतना फाड़ूंगा कि ना ही तुम्हारी मर्दों में गिनती होगी ना ही मोगों में। किस किसने मारा इन सबको? अरे किस किसने नहीं सर, अकेले बजरंगी ने मारा सबको। क्या? हाँ हवलदार सर, सबको अरेस्ट कर दी। गुड, वेरी गुड जेंटलमैन। क्या करते हो? कुछ खास नहीं सर। सर सर, पुलिस वाला बनने के चाहत आड़े रवा कुछ कर सके नहीं का इनकरा खातिर सर प्लीज। ओके, कल हमारे ऑफिस में आकर मिलो। कमान मलिक। चलो बाबूजी के लगे, चलो चलो। दिलासा खातिर ठीक बा, पर बात से पेट ना भरेला। हम तरह के प्रधानमंत्री मान ले तका तू प्रधानमंत्री बन जाइबा। एक साल से कहता नहीं, एगो मोटरसाइकिल तो किनाते नहीं थे, आज चलल बाड़े प्रधानमंत्री बना। अरे चुप, उदाहरण देता मेरे नालायक। देखा बेटा, एक हाथ से ज्वाइनिंग लेटर लेके आवा और दूसरे हाथ से हमारी बेटी के हाथ लेके जा। ए जी, सुनी ना पागल। बजरंगी। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद, सिट डाउन। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ बजरंगी, ये तुम अपने बदन पर शर्ट क्यों नहीं पहनते हो? कसम ली है सर, जब भी पहनूंगा वर्दी ही पहनूंगा। गुड, कीड़े मकोड़े मारने से किसी शहर के एक नाले का सफाया हो सकता है, पूरे स्टेट का नहीं या पूरे देश का नहीं। छोटन जैसे ना जाने कितने कीड़े मकोड़े इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे उन सब का सफाया चाहिए, वो भी एक साथ। सफाई अभियान चलाओगे? सर पे टोपी और कमर में बेल्ट जोरदार, बदन पे खाकी और कंधे पे चमकता स्टार। जौने दिन मिल गई ना सर, वो दिन प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के कचरा साफ कर दे। समझ लो मिल गई। का तुम्हें वर्दी ही चाहिए ना? जी। यहां साइन करो, बाकी की प्रक्रिया मैं पूरी कर लूंगा। आज से तुम कॉमन मैन बजरंगी नहीं, एसआई बजरंगी हो। मैं तुम्हें अंडर कवर ऑफिसर नियुक्त करता हूं। ये लो, जेल से भागा हुआ, पुलिस कस्टडी से फरार, कानून के हाथ से बचा खूनी, अंडरग्राउंड शूटर्स, इन जैसे तमाम वांटेड मुजरमों का लिस्ट है इसमें। शूट देम, कोई भी नहीं बचना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए बाधक ही नहीं, कैंसर हैं साले, बल्कि उससे भी खतरनाक। खत्म कर दो उन्हें। जय हिंद सर। जय हिंद। शान है।
रंगा जान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी। बोटी बोटी कट जाए फिर भी इसे न झुकने की लहराएंगे, युगों युगों तक इसे न रुकने देंगे। कतरा कतरा खून का ये अरमान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जाने है मेरी। छित
लगा के मुस्कुरा जब जान हो छाए ते न लाग की जलनी कहले परन हो पगला देनी हो बहुरा देनी हो जब देखा ला तू हमरा के हंस के कल जा दुपिया मन बेका दुपिया हमरा दिलवा में राजा जी हां बस के अब तू धबा के धोवल देहिया कमरा कमनिया हो अच्छा वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 वेल्डन बजरंगी, मुझे लगता है तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगे। जो आपने मुझे आदेश दिया है बहुत जल्द पूरा होगा। गुड, जय वेल्डन। एसआई बजरंगी ने अपने डीआईजी के आदेश पर शहर के चारों तरफ सनसनी फैला दी है। बादशाह लोग भी उससे पनाह मांगने लगे। बजरंगी ने सारे गैर कानूनी धंधों को जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाया। एसआई बजरंगी के अंदर कूट कूट के वो अपने ड्यूटी में इतने मशगूल है कि दिन और रात सब खत्म होता है पता ही नहीं। एसआई बजरंगी का कहना है कि पुलिस की ड्यूटी करते वक्त देश की सेवा में अगर उनकी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। उनका कहना है कि ये वही देश है जहां शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे महान लोग अपने वतन के लिए शहीद हुए थे। बजरंगी के सक्रिय कारनामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस शहर से क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा। इस देश का औलाद एसआई बजरंगी एक फौलाद की तरह काम कर रहा है। बजरंगी 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 साला, फौलाद की औलाद है, उसे किसी भी कीमत पर इस बार खरीदना पड़ेगा, वरना इस चुनाव में लंगोट भी बेचना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि दिग्विजय सिंह के कई गोरख धंधों का एसआई बजरंगी ने पर्दाफाश किया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार में क्राइम का स्तर काफी गिर गया है, लोग राहत की सांस लेने लग गए हैं। बजरंगी सर, ये सब क्या है? नो अरेस्ट, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। आपने उसे हीरो बना दिया है, सच कह रहा हूं। उसके आंखों में एनकाउंटर का भूत सवार हो गया। मुझे तो लगता है आम पब्लिक खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं होगा मलिक, बस तुम देखते जाओ। बेउर जेल पटना के खतरनाक अपराधी छोटन उर्फ छोटूलाल यादव कल रात पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। पुलिस उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन छोटन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। साफे लतखोरा सरवा। हाँ लोटा जी। भैया बोली। छोटन कहाँ मिली? ये काम हमरो मोना मिस हवे नाम हमरो मोना मिस लेला वाके किस हवे नाम
ना ना भाई, हमरा के ना मारी। ओए ओए ये रुक जा बजरंगी, रुक जाओ। सर रहुआ निखी जानत इस समाज खातिर कितना घातक बा। डिपार्टमेंट में नया नया आयल बढ़े और हमारा का तोरा से ढेर पता बा इके का जितना कहल जाए उतने कर। एकरा के मार के बड़का हीरो बने का कोशिश मत कर। रहुए मार दी और बन जाए हीरो, हमके समाज के फिकिर बा। आपन ना सूट करी है अगलो मत, सरेंडर कई अपराधी के मारा गुनाह है। हम सरेंडर करने के तैयार नहीं, गिरफ्तार कर लोगे, जेल ले चला। कुछ ना उतरा के हम बानी ना रहुआ, हमारा आपन समय जियान करत नहीं। इस समय करा से हमनी के बतियावे के ना यमराज से मिले के हा मारे दी। स्टॉप स्टॉप, डू यू नो हु आई एम? पुलिस वाला बाड़े पुलिस जैसन पेशा, हीरो बनने का कोशिश मत कर। हमरा नजर में हर पुलिस वाला हीरो है, हम एक जिंदा ना ले जाए दे यहां से। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, क्या प्रॉब्लम है मलिक? सर लीजिए, बजरंगी से खुद बात कर लीजिए। सर ये छोटन को छोड़ दो, वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। नहीं सर, ये बजरंगी, जस्ट लीव हिम। ओके सर। सब रेडी है उस? Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday my dear Netaji। आइए चलिए चलिए, आइए पार्टी एंजॉय कीजिए। चलिए आओ इंस्पेक्टर आओ, बहुत नाम सुना है तुम्हारे। सुने हैं कि बिहार के सारा गुंडागर्दी बस एक महीना में खत्म कर दिए। अरे वाह साहब वाह, कमाल। आपने अब तक जो भी देखा, महज एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या मतलब? सॉरी, हम तारा और जन्मदिन के बधाई देवे के ही भुला गई नी। हैप्पी बर्थडे सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बर्थडे के जितना यादगार बनावे के बना ली, शायद अगला बर्थडे राउर किस्मत में ना हो। ए इंस्पेक्टर, क्या हुआ? क्या हुआ? समझाओ इसको। ए ज्यादा आंख मत दिखाओ, आंख मत दिखाओ। आंख कमजोर और लाचार लोग दिखाते हैं मंत्री जी, हम लोगों की उनकी औकात दिखाते हैं।
ये क्या बदतमीजी है बजरंगी? इस हनुमान ने सिर्फ अशोक वाटिका उखाड़ा है, अभी लंका दहन बाकी है और इस लंका का रावण दिग्विजय सिंह नहीं तू है बजरंगी। आपने जो लिस्ट बनाया था वो अधूरा था, ये रहा पूरा लिस्ट। लगता है ईमानदारी से आपने लिस्ट बनाया नहीं था। हर सांप्रदायिक हमले के पीछे तुम्हारा हाथ रहता है, चाहे वो मुजफ्फरपुर दंगा हो, भागलपुर दंगा या गया पटना बम ब्लास्ट, लेकिन अब नहीं। ए, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा तू रे? कुंडली में अगर शनि प्रवेश कर जाए तो एक बार जाप ताप से ठीक कर लेगा। मुझे आवाहन मत कर, मैं आऊंगा तो जान लेकर जाऊंगा। पूरा गांव नहीं, कस्बा नहीं, शहर नहीं, पूरा राज्य हमारे कंट्रोल में है। माना कि पूरा राज्य तेरे कंट्रोल में है, लेकिन बजरंगी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। अंजनी बाबू अपने वसे माफी चाहता नहीं। अरे अरे ई का बात करता नहीं रहुआ? बजरंगी के बारे में हमार गलत सोच रहे। ऐसा का बात हो? आपन बिटिया के ब्याह बजरंगी से तय करे आइल बानी का? प्रणाम भौजी, ले मिठाई खाई। बड़करी मुंह भरकर बधाई हो। धके कमरिया लूटे दलहरिया, धके कमरिया लूटे दलहरिया, करे तमूट तरो ताजा हो। Mahara Tara Maja.
ब्याह करे के मन ना बना। अरे तू का कह तारो बुआ, हम तो पैदे भइल बानी शादी खातिर। बिना सुहागरात मनवले मरे वाला नहीं की हम। कुछ हो बोले ले लेकी। अरे पागल, तू तैयार हो जा, हम बाहर व्यवस्था देख के आओ तानी। चला हम हुआ बतानी। पगली कहीं की। चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अब कन्या को बुलाया जाए। हाँ, लेके आओ तनी। डिपार्टमेंट से फोन आयल बा। हेलो हेलो बाबा, बस दो मिनट आओ तनी। हाँ हाँ जाए। ए भाऊजी के देखा। धमाके में सब मारे गए लेकिन भगवान ने मुझे जिंदा रखा। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों ने मीडिया के सामने दोषी करार करके मुझे वांटेड घोषित कर दिया। और यही हुआ बजरंगी के साथ।
हमने उसे एक ईमानदार सच्चा ऑफिसर समझते हुए प्रमोट किया, लेकिन वो गद्दार निकला। अरे मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुक गया है। दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करके बजरंगी ने बहुत से गुनाहों को बढ़ावा दिया है। जी सर, और हाँ, बजरंगी का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। बहुत सारी चोरी, डकैती, छिनैती और मर्डर जैसे केस सामने आए हैं, और अभी अभी पता चला है कि उसका संबंध आतंकवादी संगठनों से भी था, और उसके शादी में जो बम ब्लास्ट हुआ, वैसे बहुत सारे बम उसके घर में मिले। देशद्रोहियों ने एक देशप्रेमी को देशद्रोही घोषित कर दिया। अब मेरा ये कहीं मकसद है, देशद्रोहियों की बर्बादी। जो काम डिपार्टमेंट में रहकर नहीं कर सका, वो अब वांटेड रहकर करूंगा। कोई नहीं बचेगा। I love you, बाबू। कोर्ट द्वारा लंबे समय से घोषित वांटेड एसआई बजरंगी का केस फिर से आजकल सुर्खियों में है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। इसी बात को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। रेप केस का सजा मालूम बा? सीधे फांसी। सर, बचे के कोनो रास्ता जरूर होई। रास्ता निकाले के पड़ी। प्लीज सर, निकाली ना। देख, रिपोर्ट बदले में डॉक्टर का खर्चा, ऊपर के ऑफिसर के खर्चा, सरपंच के खर्चा, रोलिंग पार्टी के विधायक, विपक्ष के विधायक, मीडिया वगैरह वगैरह, बहुत खर्चा बा। कुल मिला जुला के 10 लाख। अगर ही पैसा मामला ऊपर पहुंचे से पहले लिया के दे दे ले, तब भी बच सकेले। जरूर सर, हमले क्या बता नहीं, हमारे पापा के लगे बहुत पैसा बा सर, चाहे तो और दे दे। गुड, फिर देर कौन बात का। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने एफआईआर दर्ज कर लिया है और इसका फैसला कोर्ट करेगी।
एसपी साहब हमनी के न्याय चाहिए। देखिए एसपी साहब हमनी के रउआ पर बहुत भरोसा बा। एसपी साहब हमनी का इंसाफ चाहिए। चुप हो जा दीदी। लड़की से धंधा करावत बड़े पैसा वाला पार्टी देख के मैं पूरा परिवार का नियत बदल गई। एक नेक शरीफ खानदानी बच्चे पर उस पर रेप केस ठोक रहा है। प्रभु अपने असहाय लोगन के रक्षक बनैले हो प्रभु उनका जल्दी भेजिए। सबको मार के भगाओ। लोग के बचावे तो हम आ गए नहीं एसपी, अब तोहनी के बचाई। बल लगे लगाओ, हमें यू वांटेड मुजरिम चाहिए। काहे टेंशन ले रहे हो डीआई जी? जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाए और हम न होंगे तो ये दुनिया तर बतर हो जाएगी। पसीना क्यों? अरे भट कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो हमारा, कुछ नहीं। सुनो, पाकिस्तान से हमारे कुछ खास दोस्त आए हैं, चले एंजॉय करते हैं। एंजॉय एंजॉय। जाओ वाला भाई बेकार हो,
बजरंगी, बजरंगी हमको माफ कर दो, बजरंगी माफ कर दो हमको। अरे अरे माफी मांगने पे तो भगवान भी माफ कर देता है। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो बजरंगी, हमको माफ कर दो बजरंगी। सही बोला डीआईजी, भगवान माफ कर देता है, लेकिन माफी मांगने के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना जरूरी है। भगवान इसे माफ करना। अरे मधु, तोहरा अपन भैया से कुछ बातचीत भैया का देखा ना, हमरे पास भी फोन नहीं खे आई। नहीं खे आई तो आ जाए। मुझे मालूम है कि तुम्हारा अगला टारगेट मैं हूं, पर मुझे मारने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा। चलो, तुमको एहसास तो है कि तुम्हारी मौत मैं ही हूं। मुझे मारने का ख्वाब छोड़ और अपनों को बचाने के बारे में सोच, अपनों के बारे में ले। भैया हमने के बचा ली। बाबू 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 बहुत किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला के बहिन के जगह बहिन मिल गई और महबूबा के जगह महबूबा। अगर अपनों को बचाना है तो सीएम को टपकाना है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबू बजरंगे, उपस्थित हमारे जनता जनार्दन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद कि आप लोगों ने इस राज्य का मुझे मुख्यमंत्री के लायक समझा। इस राज्य में जो भी कमी है, चला गोली, विद्यालय, हॉस्पिटल, किसानों का कर्ज माफी, पूरी कोशिश करूंगा कि इस राज्य की सारी तकलीफों को दूर कर सकूं। जब तक हमारी चला गोली, आप सभी लोग जैसे मेरा साथ दे रहे हैं, इतनी देर क्यों कर रहा है, चला गोली। कोशिश करूंगा कि इन 5 सालों में जो भी राज्य हमारा पिछड़ा है उसे हम एक रोल मॉडल के रूप में तैयार कर सके। आप सभी लोग रिमोट दे। हाँ?
हे बाबूजी, हमरे बहन के जान खतरा में बा। बेटा हमार चिंता छोड़ा, तू तू अपनी बहन के बचा ला, अपनी बहन के बचा ला बेटा। जा तू हमारा हेलीकॉप्टर ले ला और अपन बहन के बचावा। थैंक यू सर। जा। वो डरने वाला गीदड़ नहीं, दहाड़ने वाला शेर है। अपनी फौज में मर्दों और नामर्दों की गिनती गिनना शुरू कर दे सईद, क्योंकि नामर्द दिखेगा नहीं और मर्द टिकेगा नहीं। एक ताकतवर को मारने के लिए भगवान दूसरा ताकतवर मर्द जरूर पैदा करता है। मेरे भैया आ रहे हैं तेरी मौत बनके। Ah!
चल 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 जल्दी चल 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 रहा चल हे हिंदुस्तानी रुक जा भैया चाहिए कि मैं जिस चीज को बनाता हूँ उसको मिटाता भी मैं खुद ही हूँ। मैं खुद, अरे तेरे परिवार को किसने मारा? मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर किसने बनाया? मैंने यहाँ साइन कर, बाकी की प्रक्रिया मैं पूरी कर लूंगा। और आज तू वांटेड है, वो भी बनाया मैंने, और तुम्हारी होने वाली पत्नी को भी मारा मैंने, मैंने। बोला मैं हर जगह, मैं जल में, तल में, लम में, आकाश में, पाताल में, सब जगह मैं। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी और
हो जाएगी। तू बचाएगा इस देश को। तेरे इस हाल के बाद अब हिंदुस्तान की बारी है। मैं हिंदुस्तान का अस्तित्व मिटा दूंगा। मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। मैं हिंदुस्तान का। अरे जिसकी छाया तय है उसकी जय कैसी। नहीं बोलता भारत माता की जय। क्या कर लेगा तू बोल। अरे क्या उखाड़ लेगा तू मेरा बोल। हे बाबूजी। हे भाई। हे ज्योति। सरकार ने एसआई बजरंगी को सारे आरोपों से मुक्त करके फिर से सीतामढ़ी जिला का क्राइम प्रमुख बना दिया। हेलो जी आओ तनी। I'm
बुझाओ बुझे राह न कोनो सूझे सुलझाओ ना बेकिसिया पवन पागल से उलझे धीर धारा जनी डारा वहिया मेरे तनी धारा क्योंकि बाबा ही के बाटे अरमान हो जागी एक करी लगी हाँ ए जान कब या सरफ